मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुरजेवाला ने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 मार्च से पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई और 25 अप्रैल तक ये परीक्षा चली। इस मामले में पुलिस ने 4 अप्रैल को सॉल्वर्स द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ी को पकड़ करके FIR दर्ज कर ली थी। शिवराज सरकार चाहती तो इस फर्जीवाड़े को रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार के संरक्षण में यह सब घोटाले को होने दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि 2004 में बीजेपी की सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी बोली लगानी शुरू कर दी थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, डीमेट घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो या फिर पटवारी भर्ती घोटाला हो, बीजेपी ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को घोटालों की भेंट पर चढ़ा दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेज का घोटाला इतना व्यापक और बड़ा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 695 नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 3 साल से परीक्षाएं स्थगित है। 1,50,00,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। उच्च न्यायालय ने तो ये तक कहा कि हैरत है कि नर्सिंग का एन भी ना जानने वालों को भी परीक्षा की इजाजत दे दी गई।